नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में होगी बंपर बहालियां। अगले महीने बिहार आ सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति। देवघर का वैद्यनाथ धाम भक्तों के लिए खुला। पंचायत चुनाव को लेकर बॉर्डर एरिया में हुई नाकाबंदी। कल से शुरू होगा पितृपक्ष। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में होगी बंपर बहालियां। बिहार सरकार के दो विभागों में कुल मिलाकर 65,000 के करीब युवाओं को रोजगार जल्द ही मिलने वाला है। बीते दिन पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बिहार सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि जल्द ही बंपर बहाली निकलने वाली है। इस दौरान कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में 20,000 युवाओं की भर्ती होगी, जिनमें से 10,000 रेगुलर और 8,000 से ज्यादा पदों पर संविदा पर नर्सों की बहाली की जाएगी। इसके लिए जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं 45,000 सहायक प्राध्यापकों की भर्ती परीक्षा के लिए भी जल्द अधिसूचना को जारी किया जाएगा। अगले महीने बिहार आ सकते हैं महामहिम राष्ट्रपति। अक्टूबर महीने में देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार दौरा हो सकता है। दरअसल अगले महीने बिहार विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह आयोजित होगा, जिसमें राष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया गया है और कार्यक्रम में आने के लिए उनकी मौखिक सहमति मिल गई है। ये बातें बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने कही है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ने हमारे अनुरोध को लेकर मौखिक सहमति दे दी है। इस कार्यक्रम को यादगार बनाया जाएगा। बताते चले कि इसे लेकर बीते दिन विधानसभा के कक्ष में एक बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें डिप्टी सीएम समेत कई मंत्रीगण से लेकर कई अधिकारी भी इस कार्यक्रम को लेकर सुझाव दिए। बिहार में शुक्रवार को हुआ अब तक का रिकॉर्ड टीकाकरण। बीते दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिवस के मौके पर देश भर में कोरोना रोधी वैक्सीन देने का महाअभियान रखा गया था, जिसमें बिहार में सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए नंबर वन जगह बनाते हुए रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। अब तक के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बिहार में बीते देर रात 11 बजे तक 29,38,653 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ये जानकारी कोविन पोर्टल पर अपलोड की गई। वहीं कर्नाटक और उत्तर प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रिकॉर्ड टीकाकरण करने में सफल रहे। बताते चले कि ये वैक्सीनेशन राज्य के 14,500 केंद्र में हुए थे। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने भी इस काम में लगे कर्मियों और आम व्यक्तियों को धन्यवाद किया है। अब जानते हैं क्या है सूबे में मौसम का हाल। बिहार में आज भी मानसूनी प्रभावों के कारण कई हिस्सों में बारिश होने के पूरे आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। यह बारिश हल्की से मध्यम दर्जे की या फिर हल्की फुहारों के रूप में भी हो सकती है। पूरे राज्य में 1 से 2 स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना को जाहिर किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि राजधानी पटना में आज सुबह भी जोरदार आंधी बारिश के साथ शुरुआत हुई। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने तात्कालिक पूर्वानुमान जारी कर पटना, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर और बक्सर जिले में बारिश की संभावना जारी की है। साथ ही आज के लिए इन जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर बॉर्डर एरिया में हुई नाकाबंदी। 5 दिनों के बाद बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान किया जाना है। इसके लिए राज्य की सीमावर्ती इलाकों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था अभी से ही की गई है। इसके तहत बिहार से लगे अन्य राज्यों की सीमा पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। साथ ही पड़ोसी राज्य नेपाल की सीमा पर नाकेबंदी कर दी गई है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखा है और सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सहयोग करने का आग्रह किया है। प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि पंचायत चुनाव में पड़ोसी राज्यों से आने वाले अपराधी गड़बड़ी कर सकते हैं। हालांकि नेपाल से बिहार या फिर बिहार से नेपाल को आने जाने वाले लोगों पर रोक टोक नहीं रहेगी। राज्य के 8 जिलों से 7 नए कोरोना मामले आए सामने। बिहार में अब गिने चुने कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में 7 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके तहत राजधानी पटना से 3 मरीज मिले, तो वहीं मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और शिवहर जिलों से 1-1 मरीज की पुष्टि हुई है। इस दौरान 14 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 64 हो गई है। वहीं अब रिकवरी दर 98.66% पर पहुंच गया है। देवघर का वैद्यनाथ धाम भक्तों के लिए खुला। पूरे विश्व भर में शिव के भक्तों का प्रसिद्ध धाम वैद्यनाथ धाम के पट आज से खुल गए हैं। कोरोना के कारण 148 दिनों तक बाबा धाम के पट आम भक्तों के लिए बंद थे, जो कि आज से फिर से खुल चुके हैं। सरकार से 4 दिन पहले ही बाबा धाम के पट को खोलने की इजाजत मिल गई थी, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण मंदिर के द्वार को नहीं खोला गया था। बताते चले कि कोरोना संक्रमण के कारण दर्शन करने के लिए झारखंड दर्शन
www.nic.in पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जिसके आधार पर ही ई पास दिया जाएगा, जिसके बाद भक्तगण बाबा का दर्शन कर सकेंगे। बाबा का मंदिर सुबह 6 बजे से शाम के 4 बजे तक ही खुला रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि 18 साल से कम उम्र के नागरिकों को प्रवेश को फिलहाल नहीं होने दिया जाएगा। कल से शुरू होगा पितृपक्ष। पितरों को पिंड दान देने का महत्वपूर्ण समय कल रविवार से शुरू हो रहा है। कल से पितृपक्ष शुरू होने के बाद यह 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान गया में पितरों को पिंड दान और श्राद्ध करने की क्रिया होगी। वहीं त्रिपाक्षिक श्राद्ध करने वाले आज से ही पिंड दान कर रहे हैं। बताते चले कि इस बार गया में दूसरी बार पितृपक्ष मेला नहीं लग रहा है। हालांकि इस बार श्रद्धालुओं को आने की अनुमति है। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर सारी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि इस समय पिंडदान करने वालों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। पंडा और पुजारी ही पिंडदान की क्रिया को साधारण तरीके से पूरी करवाएंगे। जदयू के खराब प्रदर्शन को लेकर समीक्षा बैठक हुई आयोजित। विधानसभा चुनाव में उम्मीद के अनुसार परिणाम ना आने के बाद से ही जदयू की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके लिए पार्टी के आला कमानों के द्वारा कार्यकर्ताओं को जागरूक करने और समीक्षा बैठक करने का दौर जारी है। इस क्रम में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जदयू प्रदेश कार्यालय में बैठक को आयोजित किया, जिसमें विधायक हारे हुए उम्मीदवारों के साथ ही पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बताते चले कि यह बैठक कल रविवार को भी होगी, इसलिए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा है। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन की इस समीक्षा बैठक में ललन सिंह पार्टी में फेरबदल भी कर सकते हैं। युवाओं को स्किल सिखाएगी तेज प्रताप यादव की छात्र इकाई। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपने द्वारा गठित किए गए छात्र जनशक्ति परिषद को बिहार में व्यापक तौर पर फैलाना चाहते हैं, इसलिए इस परिषद को कई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। लोगों की मदद करने के लिए इस परिषद को 3 विंग, जन परिषद, शिक्षा और न्याय परिषद में बांटा गया है, जिसके तहत ये युवाओं को शामिल करेंगे। इन तीनों विंगों के जरिए लॉ ग्रेजुएट, पीएचडी, सिविल सर्विसेज के छात्रों के लिए कोचिंग आदि की की जाएगी। इस परिषद के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी का कहना है कि बिहार के युवाओं को नौकरी के लिए प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य रहेगा, जिसके लिए यह छात्र इकाई काम करेगी। 2 सीटों पर उपचुनाव के लिए चिराग गुट ने किया बड़ा ऐलान। बिहार विधानसभा की 2 खाली सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट में जल्द ही उपचुनाव कराए जाएंगे। इसे लेकर हर दल तैयारी में जुटे हैं। इस बीच लोजपा के चिराग गुट की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। लोजपा चिराग गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अकेले दम पर अपने उम्मीदवार को खड़ा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी और संगठन के लोग चुनाव लड़ने के लिए समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसके बाद लोजपा संसदीय बोर्ड की ओर से जल्द ही उपचुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा भी दी जाएगी। किसी भी दल से समझौता के सवाल पर उन्होंने साफ लहजों में कहा है कि हम अपनी ताकत से चुनाव को लड़ेंगे। तनवीर अख्तर की पत्नी को जदयू बनाएगी एमएलसी उम्मीदवार। जदयू के पूर्व एमएलसी तनवीर अख्तर के निधन के बाद खाली हुई सीट पर जदयू उनकी पत्नी रोजिना अख्तर को एमएलसी उम्मीदवार बनाएगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक तनवीर अख्तर की पत्नी रोजिना अख्तर जल्द ही अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक 22 सितम्बर तक इस पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। तो वहीं 23 सितम्बर को स्क्रूटनी और 27 सितम्बर तक वक्त नाम वापसी के लिए निर्धारित है। बताते चले कि जदयू के एमएलसी मोहम्मद तनवीर अख्तर का निधन पिछले साल कोरोना से हो गया था, जिसके बाद से ही यह सीट खाली है। उपेंद्र कुशवाहा जदयू को बनाएंगे नंबर 1। बिहार में जदयू और अन्य सहयोगी दलों की गठबंधन की सरकार है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी थी। इस प्रदर्शन को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार की पार्टी अब कमियों पर ध्यान देते हुए कार्यकर्ताओं को जागरूक करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार के कई जिलों के कार्यकर्ताओं से मिलकर उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस क्रम में बीते दिन दरभंगा के जदयू कार्यकर्ताओं को अपना मनोबल हमेशा ऊंचा रखने की सलाह देने के साथ ही उन्होंने अनुशासन को बनाए रखने को कहा। साथ ही पार्टी को नंबर 1 बनाने का गुण सिखाते हुए कहा कि लाभकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाए और कार्यकर्ता हमेशा जनता की समस्याओं से जुड़े और उसका समाधान निकाले। पटना हाईकोर्ट को मिलेंगे 2 नए जज। पटना हाईकोर्ट में 2 नए जज की नियुक्ति की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में बनी कोलेजियम ने पटना हाईकोर्ट के जस्टिस ए अमानुल्लाह का ट्रांसफर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में करने की अनुशंसा की। तो वहीं उनकी जगह पर 2 जजों पर
ट्रांसफर पटना हाईकोर्ट में करने की अनुशंसा की गई है। इसके तहत केरल हाईकोर्ट के जस्टिस एएम बदर और पंजाब एंड हरियाणा के जस्टिस राजन गुप्ता का स्थानांतरण पटना हाईकोर्ट करने की अनुशंसा की गई है। अभी तत्काल में पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 18 जज कार्यरत हैं, जो कि इन दोनों जजों की नियुक्ति के बाद अब बढ़कर 19 हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ने ट्विटर पोस्ट कर निकाली भड़ास। बीते दिन न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे शुरू होने से पहले ही न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सुरक्षा कारणों को वजह बताते हुए पाकिस्तान के साथ खेली जाने वाली उसकी सीरीज को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए मुखिया रमीज रजा अचानक उठाए गए इस फैसले से बेहद नाराज हैं। वो इस कदर गुस्सा हुए हैं कि आईसीसी तक जाने का उन्होंने मन बना लिया है। उन्होंने ट्विटर पर अपनी भड़ास पोस्ट के जरिए निकाली और क्रिकेट बोर्ड को उनके साथ आईसीसी के सामने बात करने के लिए तैयार रहने की बात भी कह डाली। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाना चाहिए या फिर नहीं। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।